अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको डाइल्यूट करना सिखाऊंगी एसेंशियल ऑयल को। अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखी बेनिफिट्स ऑफ टी ट्री ऑयल, तो आई बटन पे मैं लगा दूंगी, पहले आप वो देखें और फिर आप पार्ट टू को देखें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैरियर ऑयल क्या होते हैं और कौन कौन से कैरियर ऑयल्स होते हैं जिन्हें हम एसेंशियल ऑयल्स में डाइल्यूट करते हैं। कैरियर ऑयल बेसिकली होता है, बेस ऑयल होता है, उसको हम कैरियर ऑयल कहते हैं। जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, होबा ऑयल हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऑयल्स हैं जिनके मैं नाम लेना शुरू करूं तो वीडियो एंड हो जाए। तो ये सब होते हैं कैरियर ऑयल्स। और जो सबसे मशहूर, जो सबसे मेन कैरियर ऑयल होता है वो कोकोनट ऑयल होता है। कोकोनट आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, इसमें विटामिन ई शामिल है, स्किन को स्मूथ करता है और पिंपल्स की रेडनेस को भी रिमूव करता है। कोकोनट ऑयल के इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ तो वीडियो एंड हो जाए। और हम इसमें शामिल करेंगे टी ट्री ऑयल, किस तरह शामिल करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताती। अच्छा जी, जो कैरियर ऑयल होता है वो असर किस तरह करता है वो मैं आपको बताती हूँ। जो कैरियर ऑयल होता है वो आपकी स्किन की अंदर तक जाता है और उसकी जो खसूसियत होती है वो अंदर तक जाके असर करती हैं, जबकि जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो आपकी ऊपरी लेयर पे ही रहते हैं स्किन की और वो एवोपोरेट हो जाते हैं। इसीलिए कैरियर ऑयल में एसेंशियल ऑयल को डाइल्यूट करते हैं ताकि वो स्किन के अंदर तक जाके काम करे। तो अब मैं आपको डाइल्यूट करना सिखाऊंगी कि किस तरह हमने डाइल्यूट करना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं हम एसेंशियल ऑयल को डाइल्यूट करना। अच्छा जी, जो मेरे पास कोकोनट ऑयल मौजूद है वो हिमानी का है, ये ओरिजिनल है। मार्केट में फेक भी मिलते हैं कोकोनट ऑयल, तो आप वो सब ना लें, आप इसी कंपनी का लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से लें। लेकिन ये बात का ख्याल रखें कि वो असली होना चाहिए। और ये 200 बॉटल में आया है मेरे पास और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। आप, मैं इसे ही यूज़ करती हूँ अपने एसेंशियल ऑयल्स को डाइल्यूट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को कि डाइल्यूट हमने किस तरह करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो आप स्पून देख रहे हैं ये 1 टेबल स्पून के करीब है। आपने लेना है 2 टेबल स्पून के करीब कोकोनट ऑयल। क्वांटिटी आपने सही से नापनी है, आगे पीछे नहीं करना क्वांटिटी को। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ और एक और 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, तो ये 2 टेबल स्पून हो जाएंगे। लो जी, हमारी लूसी भी आ गई है और ये जायज़े लेना शुरू हो गई है कि मैं क्या कर रही हूँ। इसके बाद हमने करना ये है कि, तो पहले ये जायज़े ले ले, उसके बाद ही मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो इसके बाद हमने लेना है 8 से 9 ड्रॉप्स के करीब एसेंशियल ऑयल्स। यहाँ इसमें ड्रॉपर नहीं है तो आप ज़रा एहतियात से ही यूज़ करना, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि ये कितने ड्रॉप्स तक डला है। तो आपने लेने हैं 8 या 9 ड्रॉप्स के करीब आपने एसेंशियल ऑयल डालना है कोकोनट ऑयल में। 2 टेबल स्पून के करीब कोकोनट ऑयल है और 8 से 9 ड्रॉप्स हमने डाले हैं एसेंशियल ऑयल्स के, ज़्यादा नहीं डालने आपने। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि दोनों ऑयल्स आपस में मिक्स हो जाएं अच्छी तरह। अब ये तेल बन चुका है, आप किसी भी कंटेनर में इसे डाल लें। अगर आपके पास ड्रॉपर मौजूद है तो आप ड्रॉपर में डाल लें। तो आपने इसको यूज़ किस तरह करना है अब मैं आपको बताती हूँ। आपने इसको सिर्फ रात में यूज़ करना है, जहाँ जहाँ आपको पिंपल्स हैं आपने वहीं पर इसे अप्लाई करना है। और फिर आप सुबह उठ के अपना मुँह धो लें अच्छे से फेस वॉश के साथ, तो इंशाल्लाह आपकी एक्नी रिमूव हो जाएगी। आपने इसको 1 मंथ तक यूज़ करना है, 1-2 दिन में असर नहीं करता एसेंशियल ऑयल को ही भी। तो आपने इसको 1 मंथ तक यूज़ करना है, इंशाल्लाह आपके फेस से एक्नी ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे और भी सीरीज़ में आएंगे एसेंशियल ऑयल्स के बारे में, मैं आपको बताऊँगी पार्ट 3 पार्ट 4। तो वीडियो आगे बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो में बने रहें मेरे साथ। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियो के। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। तो चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।